रुका मार के बताओ जेड़न जान ना तैयार हो सारे भाई। प्रशासन सुन लो, आड़ा जो प्रशासन आ रहा है और जो आने की कोशिश कर रहा है, ये गरीबा के घर हैं, दलिता के घर हैं, मकान नहीं पड़न दे किस कीमत पर, मकान में दब के मर सके हैं। तैयार हो आठा बताओ, तैयार हो ना सारे, अरे रुका मार के बताओ। अरे पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सीआईडी वाले सारे आ रहे हैं, जाके बता दियो अपने प्रशासन ने, अपने मुख्यमंत्री ने, जय आड़े इन गरीबा की, दलिता की दिवाली जय काली मनेगी ना, तई सरकार की भी दिवाली किसी मनेगी काली मनेगी। क्योंकि एक बात बताओ भाई, ये इतने लोग हैं, न्यूका है, अक हाईकोर्ट का आदेश आ रहा है, यो गांव का सरपंच है और गांव ने रेजुलेशन पास करके दे रखे, दिए रहे वो कागज की थे, यो गांव ने गांव अगर राम हाईकोर्ट ने न्यू बिना बेरा होगा सिंहपुरा किस है, यो गांव राम ने लग के यो रेजुलेशन, ये मीडिया के साथी देख लो, इन्होंने दे रखे भाई, मारे गांव के आदमी है, मारी जमीन है और ये बस रहे हैं। अरे नन्यू भी कह दी कि पुराना किसान भाई गलती होगी होगी किसी तक कागजा में, नन्यू भी कह दी अग भाई हम इस जमीन के रुपये भी देने में तैयार है, कही है ना भाई बात, अरे भी तैयार है बेचारे, एफिडेविट दे दिया तो भाई जो न्यू कह है, कहे तो हाईकोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, अकेसवाइल का जो पानी है वो हरियाणा का है, लेते क्यों नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नहीं मान रहे, जब तमें हाई कोर्ट के आदेश ने लेकर डा रहे हैं कि भाई घर न घेरेंगे, वो की था वो लेटर घर न घेरने वाला बोले रहे थे नोटिस है, तो ये नोटिस भेजा है अग भाई, कब्जा हटवा कितने साल तक रहे हो आपने बताओ, अरे सरपंच साहब कितने साल तक हैं लोगों, मेरी 39 की एज हो चुकी है और मैंने तो जब से जन्म लिया मैं इनको यहीं पे, पहले इनके कच्चे मकान थे फिर इन्होंने पक्के मनाए हैं, इनकी 50 साल से यहाँ रियासत है और ना ये कहीं रास्ते में अड़ दे, ना गांव को किसी को आपत्ति है कि भाई इनको हटाया जाए, सारा खड़ा है पूरा गांव सिंहपुरा इनके साथ खड़ा है और पंचायती रेट पे ये पैसे भरने के लिए तैयार है, 2016 में एफिडेविट लगा दिए थे अब इन मकानों के पैसे भरवाए जाए, तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को अग भाई गरीबा के मकान बनाया करें, गिराया नहीं करें, और ये वे नहीं है किसी का कोई गलत फहमी हो, कदे नहीं सोचते ये बिल्डोजर लेके पहुंचे हैं, अब ये तो नशा बेचते हैं, ये अपराधी है, कोई नशा बेचा भाई अड़े है, ये आर्य समाजी है, ये आर्य समाजी गांव है रे, सिंहपुरा कुल सुना होगा आर्य समाजी गांव है यो, और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं भाई, हम तो रात ने भी आ गए थे फिर आ गए हैं, और सबसे ये अपील है हर बरादरी के आदमी से, अगर भाई इन गरीबों के साथ इन दलितों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनका अगर घर पड़ेगा तो मेरे ख्याल में नींद नहीं आनी चाहिए किसी के, फिर नींद आए नहीं रही, अरे इन्हें बेचारा ने एक महीना हो गया, कोट कोट छोटे छोटे बालक हैंडीकैप्ट, मतलब कित जावेंगे वे, 2009 तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार ये इस देश में इस प्रदेश में दुनिया भर के अवैध के बराके क्यों लग रहा है, और इनका कोई अवैध नहीं है, गांव की जमीन है किसी की जमीन नहीं है, अरे सीआईडी वाले भाई आ रहे हैं, जागा बता दियो अपने प्रशासन ने सरकार ने, मकान नहीं पड़ेगा या हाँ कति तैयार हो ना सारे, भूखा मार के बताओ, और मोदी ने जो ये चीते लेकर छोड़ दे दिन घर आए वो छोड़ देते हमारे वाले हुए और के आप खाली हो जावे ये सब की मैं अरे सिंहपुर में छोड़ दे वे उड़ा छोड़ रहे हैं अरे मार दी अरे छोड़ देते पहले हमारे ऊपर का बुलडोजर चल लगा जी बच्चा प्रकार जब प्रशासन में इतनी हिम्मत है करता आज ये बुलडोजर लेकर ने ठीक है जी इतनी हिम्मत है कि जब हम तक मोदी बच्चे की जी बाड़ और कुछ नहीं होगा ठीक है मर जाएंगे कति और अपने मकान की छोड़ रहे हैं ठीक है
बिजनेसमैन ना 11 लाख करोड़ रुपए का जब माफ कर दिया। इतने बंद कारोबार कर रही सरकार, हमें क्यों नहीं बंद कर रही? हमारे ऊपर गरीब जनता के ऊपर जुल्म करी सरकार, किसने बनाई है? जनता ने बनाई है। आज तो सरकार से वोट मांगना हुआ, आज दौड़ दौड़ का वोट दे दो। आज तो सरकार की सोचा है को एक बार जो ये वोट लेना है कौन है बुलाओ सारा जो ये वोट लेना आज क्यों नहीं आते? जब भारत परेशान है, बलनाथ कुटिया जोड़ जोड़ कराया, मनीष लो कराया, कांग्रेस कराया, आज क्यों नहीं आते? कहाँ है मैं? गरीब जनता परेशान किया। एक एक बोलो पहले बोलो आप बोलो। गरीब जनता ने आज इतना परेशान कर रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। आज जब वोट लेने आए बच्चा तो बंगाल क्या करते हैं? जब वोट दे दो हम धारा ये बोला करेंगे यार। जब हमारे बड़े बनाए घर, मेहनत मजदूरी करके हमने घर बना रखे, उन्हें छीनने लग रही क्या बोला करेंगे सरकार का? वोट मांगना कौन बनाया? वोट मांगना बलराज मिंग शर्मा बलराज कुंडू ने यह बात कही थी जी। प्रशासन कार्रवाई करता है। MLMP है कहाँ? हमारे कहाँ MLMP? मतलब उनको यहाँ पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? वोट लेने के सभी हाथ जोड़ के आगे थे, कहाँ है हमारे MLMP? आओ, हमें चाहिए। एक मिनट रुको यार, कम से कम लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? यही होता होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि हमारे जो जितने भी लोग मिलके हमने वोट दी थी तभी बनाए थे MLMP। या सरकार ने प्रशासन बुलाओ उनको बोलो सरकार प्रशासन कार्रवाई करता तो क्या करेंगे आप? प्रशासन को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य होता है। प्रशासन हमने ही तो बनाया होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि लोगों का मिलकर का जो मतलब गरीब लोग हैं उनका साथ दीजिए। साफ सीधी बात ये है कि MLMP को हमारा साथ देना चाहिए, ठीक है? कोई आ ही नहीं रहा। बलराज कुंडू हमारा MLA है, कहाँ है? उन्होंने ये कह दिया कि हमें मेरे हाथ खड़े हैं हाईकोर्ट के आगे, मैं नहीं आ सकता। और उसकी वोट मांगने किस तरीके? वोट मांगने के लिए तो घरों में घुस घुस के आए थे। नहीं, मेरी बात सुनो, एक तरफ बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बाण बेटी घर उम्र में क्यों कर सकते हैं? हमारे पास कहाँ जाएंगे हम अपने छोटे छोटे? रुको कंटिन्यू। लड़कियों के लिए फ्री बस चला दी हम कौन सा चला दी? हमारे बाल बेटी सबका ये नहीं, हम भी किसी के बाल बेटी घरों में रह रहे हैं। हमारे लिए भी तो कोई समाधान निकालो सरकार। अगर उनको ना जायज लग रहे तोड़ दो हमारे बच्चा कह दो पा रहे हैं हमें वोट लेने के लिए आए थे ना। जब उन्होंने ये कहा था अगर किसी के मकान को नहीं तोड़ने देंगे हम अपने रेजुलेशन में सब कुछ पास करके देंगे, पैसे भरवाएंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने? नहीं किसी MLA ने कुछ किया, ना ही किसी MP ने कुछ किया। ये सरकार तो कति गरीबों के हक के लिए है ही नहीं, गरीबों को दबाना चाहती है। किला रोड पर कार्रवाई हुई, रेलवे रोड पर कार्रवाई हुई, सॉरी मार्केट पर एक फोन गया, पूरा प्रशासन बैठ गया। आज प्रशासन यहाँ आ गया और नहीं विपक्ष आ रहा है गरीबों का कपड़ा तोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष को भी तो आना चाहिए। इसलिए इतने बड़े बड़े कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, ठीक है? जो हमारे MLA है बलराज कुंडू जी, उन्होंने कहा था कि जब मतलब अगर इनको घर से बाहर निकाला जाएगा तो मैं उनको घर दूंगा, अगर मैं मेरे को पैसे भरने पड़ेंगे तो मैं भरूंगा। कहाँ है वो? कहाँ गए वो पैसे देने वाले? कोई नहीं आ रहा। बलराज कुंडू के पास गए थे आप? हाँ आए थे, वो भी आए थे यहाँ। क्या रिएक्शन था उनका? उन्होंने कहा था कि अगर घर से निकालेंगे तो मैं कर दूंगा।
दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि मेरे बस का कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के ऊपर मेरा कोई कुछ नहीं चल सकता, आपने ना लठ लेके खड़े हो जाओ बस, साफ सीधी बात है, मेरा कुछ नहीं चलेगा। बस में घर को घुमाने के लिए तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीबों का नगर जी एक बात सुनो, एक मिनट एक बात और सुनो जी, हम नहीं सारे थे जाजा का मेल आता है सब तो क्या था, हमने हाथ जोड़ लिए पाप पकड़ लिए, उन्हें हमारी कोई सुनाई नहीं करी, तो वह सरकार करना जा रही है ये प्रलाट कटे उड़ है, हम जब भी हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे सबसे बड़ी बात प्रशासन होता है, हमारा गांव की सरकार का मतलब यही होता है कि सरपंच होता है मेन, ठीक है सरपंच हमारा, प्रशासन हमारा सरपंच है, ठीक है गांव की ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, सरपंच हमारे साथ है तो कौन प्रशासन हो गया, गांव का प्रशासन सरपंच होता है, ठीक है जब वो साथ है अवैध है ही नहीं है चीज, हाई कोर्ट क्या करेगा, जिन लोगों को वोट दिया जिनकी सरकार बनाई जिनका साथ दिया, हम नकद गंदा उनके साथ भी रहे हमेशा रहे, वो आज कहाँ है, आज नवीन भाई है जिनका हमने कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं ले, वो आज हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो लोग कहाँ है जो जिनका हमने साथ दिया, जिनको वोट दे के हमने स्पर्शा आगे बिठाया कुर्सी पे, उन लोगों को आ जाना चाहिए हमारे बीच में और हमारी मदद करनी चाहिए, कहाँ है वो, आप बोलो आप बोलो, बताओ कोई भी कर लो, ये बताओ जी हमने ये कह दी जाकर नक भाई मोर नहीं तुम्हारा जो प्लाट है ये घर जो कहू रह जाके फिर तीन बल लोन लिए हैं बड़का नक चार बल लिए किस तरह पढ़ाए हैं, वो हमने बेरा है ये हमारे बच्चा ने बेरा है, अतः भाई सरकार हमारी इतनी गई गुजरी हो रही है, इतनी नीत खराब हो रही है, इतनी गरीबा का ऊपर इतनी गड़ी हो रही है, अतः मोल लालच का जमीन का मोल चक किसी का गुट्ठा टेक कर लेवांगे चक क्यों करे भी लेवांगे, हम मोल का जितना पैसा लगाएंगे हम देवांगे, बाकी प्लाट तो कई जगह और भी कट रहे हैं, तो ये तो प्लाट भी कटे हो रहे, जब भी हम देन खाता तैयार पर किसी ना नहीं भरी मारी, कोई हमारे साथ नहीं है जी, यौरे ना यौरे ना कर रहे, तो हमारे गांव में किसी की रजिस्ट्री है गांव में तो किसी की होती आने के लिए इनके पास ही होनी है, एक बात भाई एक बात बताओ, इसका बाप भी ऐसा ही है जी, इसका बाप भी हैंडीकैप्ड है मेंटली दिमाग से मेंटली, ये बेचारे एक बात बताओ कित जाएंगे भाई, ये कित जाएंगे हैं कित जाओगे, ये जो इस प्रशासन ने नहीं दिखता आख लोगों ने हूं तो मुश्किल हो रहा है, रोटी खाना खुद रोटी खाना मुश्किल हो रहा है इतनी महंगाई में, मुश्किल तो इन नकेबरा के मतलब कितनी मेहनत करके ये घर बनाए हैं, और उसके बावजूद जब ये गांव न्यू कहने लग रहा है सारा गांव न्यू कह रहा गांव हो राम तो राम की नहीं मानेंगे ये, अरे दुनिया भर के ये इनके इतने एमएलए एमपी मंत्री और अधिकारी इनके रहे इतने अवैध कब्जे उनने तोड़ लो ना, ये बताओ कित जाएंगे बेचारे, और मैं एक बार फिर मैं ये कह रहा हूं प्रशासन ते रोहतक का मुख्यमंत्री मनीष ग्रोवर साहब देख ले के मर सके है ये मकान नहीं टूटने देंगे, तैयार हो भाई सारे आठ ठाका बताओ दोनों, अरे भाई एमपी साहब अड़ेगा एमएलए साहब आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, आप लोगों को वोट दी है इन लोगों ने, और वोट ना भी दियो जब भी आप बन रहे जब ये बन रहे हो आप ना तो कम से कम आना जरूरी है, ये जो पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं और जितने भी संगठन के नेता हैं आप सबकी ये जिम्मेदारी बना है, आप सबकी ये आप सबकी जिम्मेदारी बना है, आप यहाँ सिंहपुर में अगर एक भी सिंहपुर में एक भी घर पड़ गया ना तन्यू मान लियो तुमने दिवाली थारी भी काली मनावाओगे, ध्यान रख लियो, तो मामला है क्या ये वैसे? मामला ये है यहाँ ये करीब 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पहले कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई केस शुरू हुआ था कई साल पहले की बात है, उसके बाद पंचायत ने ये सरपंच साहब रह रहे ना ये सरपंच साहब इन्होंने रेजुलेशन पास कर क्योंकि पंचायत ये जमीन जो है ये सब गाँव के लोगों की बाप दादा की है, सरकार की कोई जमीन नहीं है यहाँ पे, ये पंचायत की जमीन और पंचायत भी लोगों की जमीन है यार, इन रेजुलेशन पास करके सरपंच साहब ने दे दिया था भाई हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे गांव के वासिंदे इनके घर नहीं पड़ने चाहिए, अब वहां जा गई हाईकोर्ट ने बेरा भी कौन है सिंह पराकित है जो हाईकोर्ट तट रहे हैं भाई, हम कह हमारा कर लेगा हाईकोर्ट जो करेगा, हम कहने लग रहे अगर हाईकोर्ट ने दे दिया आदेश और जिस दौर जाओ बोला हाईकोर्ट, अरे हाईकोर्ट ने तो केवरा कितने कितने दे रखे आदेश, हाईकोर्ट ने दे रखे हैं दारू का ठेका 100 मीटर दूर होना चाहिए रोड से, पूरे हरियाणा में देखो ना, है मान लिया
सुप्रीम कोर्ट ने नु कही सुप्रीम कोर्ट ने नु कही भाई एसवाईएल का पानी हरियाणा का है। सुप्रीम कोर्ट ने कही सब ने बेरा केंद्र सरकार ते भी कही वो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश तो इन्हें रद्दी में गिर दिया। इस हाई कोर्ट के आदेश ने लेके आवा हाड़ा के देखो ये तो हाई कोर्ट ने है, हम जिम्मेदार नहीं है। कौन नहीं जिम्मेदार है? हम है भाई। जिसने हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक डरा है मारा कर लेगा जिसने जो करना है। हम ये मकान नहीं पड़न देंगे या तो जेल में चले जाएंगे। अरिया भाई इसके नीचे दब जाए सारे तैयार होना इस बात का। ये यार मैं अवैध कॉलोनी करीबन 50 है, 50 अवैध कॉलोनी। तो भाई ये बात ये है दुनिया भर के जो है आप सब लोगों को पता दुनिया भर की अवैध चीजें अवैध कॉलोनियां अवैध प्लाट इन बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े एमपी एमएलए मंत्री सब बड़े बड़े अधिकारी इनके दुनिया भर के कब्जे हैं अलग अलग जगह। इब ये कोई एक के किले में कोई ना बैठे 50-50-100 गज में है ये। और ये नुकन लाग रहे ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा पहले किसी ने भाई शिकायत कर दिया कुछ भी कर दिया तागले रुपये देने में तैयार रहे भाई जो जुर्माना पंचायत नुकन ला रही हमने जरूरत नहीं कुछ लेने की। तो भाई ग्राम सभा से बड़ी कोई सभा ने हम नहीं मांगते। गांव के लिए ग्राम सभा सबसे बड़ी है। और भाई ये दिवाली का टाइम है और हम ये बात अच्छी राह बताना और समझाना चाहते हैं। कोई रात ना कर देगी रात ना होंगे हम तो कल रात ने भी आए थे। अरे तो इस तरह सब हम नु कहें ये जितने भी एमएलए एमपी जो भी वोट लेके जा रहे हैं या विपक्ष वाले हैं भाई ये लोग अगर मकान पड़ गए तो डूब के मर जाइयो फिर सारे। हम तो ये बात कहें और सारे जेल जाने में तैयार हैं। आठा बता दो भाई सारे। अरे आठा सारे ये कत्ती सारे जेल में जाने में तैयार हैं। अरे एक तीन तीन पीढ़ी लाग जाए जब जाके घर बड़े है ये कोने बढ़ता करे ये चोर चको चक्के कोने ये रपिये कोने खाते लोग आगे नेताओं की डाला आगे न्यू मान ले के नाम ये बड़े बड़े बिजनेस मैन की डाला कोना अग बैंक का लोन ले लिया फिर देना भी नहीं माफ भी हो जा। मोदी ने 11 लाख करोड़ अपने कष्ट कमाई से बेचारा ना कष्ट कमाई थे यो काम करा है दुनिया तो भाई इसलिए हम ये बतावे हैं। और ये जो दशहरा रहा ना ये लोग रावण ने फूको रावण तो यो मुख्यमंत्री है सह नहीं है नो बताइयो रावण थोड़ी इनके घर गिरना हुआ है वो तो कई हजार साल पहले अमर लिया रावण ने थोड़ी कही आके नु कही है गिरो ईब के ना दशहरे पे अगर ये सरकार नो चलती रही ना तो दशहरे पे गांव गांव में घर घर में ये जो कहे ना घर घर तो घर घर में इनके पुतले फूके जाएंगे। अरे भाई हम लड़न ना कती इनकी गलिया तैयार है कती तैयार है। और खट्टर साहब तेन बतावे दुबई में बैठा है खट्टर साहब दुबई में जा रहा है तो बतावे है दुबई तो यह बात सुन लिए दुबई तय भेज दियो यह बात अच्छी राणा भेज दियो रे इनके मकान नहीं पड़ेंगे भाई आदमी मर सके हैं अपने मर जाएंगे दब जाएंगे इसके नीचे या जेल में चले जाएंगे मकान तो नहीं पड़ेंगे। और सारे संगठन आते हम भाई कहे हैं बात सारे चाहे कोई दलित संगठन है और चाहे कोई ऐसा भी संगठन ताली मन्ना बजाओ तालियां की जरूरत को ना ताली नहीं बजाना हमने। और भाई पुलिस तो नुके है पुलिस आना दे अखारे भाई है भाई तम भी ने भी यह सोचनी पड़ेगी आड़े कत्ती आने की जरूरत नहीं है डराने ताई भाई डीसी आओगा तो डीसी ने हम देखेंगे डीसी ने हम बूझ लेंगे मार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उसने लागू करवा दे पहले हाई कोर्ट के और बहुत आदेश है उन्हें लागू करवा दे बहुत से हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट अलग अलग जगह हो रहे हैं उन्हें लागू करवा दो। तो इसलिए इन गरीब आदमियों के साथ सरकार अन्याय ना करो मुश्किल तो अपना बेचारे गुजारा बसर कर रहे हैं क्यों नाश करने लग रहे हो या सरकार तय इस प्रशासन तय। अरे भाई बाकी ये सारे तैयार हैं कोई कतीनू को उल्टा टनिया कोई ना है कोई उल्टा टनिया नहीं है सारा गांव इनकी गलिया है और सारे सब संगठन की गलिया है और सारी बरादरियां के लोग हैं। कदे न्यू सोचो प्रशासन अगर दलित है तो दलित ने करके कर देंगे बात हक की है न्याय की है कोई दलित एस सी बी सी जर्नल की बात नहीं तो सारे बात 36 बिरादरी के घर आड़े और ये नहीं तो फिर ये अड़गे रहे फिर तो पूरे हरियाणा में पड़ेंगे ये तो लोग आए गांव में करे किस दो कागज है खाली हो जाएगा खोगरा कोर्ट के आज तो 10 साल पहले ऑर्डर आ गए थे वो गिरा दिया के ओडे भी तो बस रहे हैं सारी जगह बस रहे हैं अवैध कॉलोनी 50 है रोहतक शहर के अंदर आड़े क्यों पीछे पड़ रहे हैं ये तो बताओ ना। और 36 बिरादरी के घर है ये नहीं एस सी एस टी के हैं सारा समाज रहता है। हम कल रात से संपर्क में है डीएसपी और एसपी साहब को ये कह रहे हैं कि मैं खुद
अपने संगठन से आया हूँ और खुद मेरे साथ काफी साथी आए हैं, जितने भी संगठन हरियाणा में सबको और सबको आना चाहिए। देखो जी, घर बनाने के अंदर आदमी की पीढ़ियां बीत जाती हैं, ये लोग किराए पे नहीं रह रहे, 50 सालों से कब्जा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है अगर किसी का 15 साल से कब्जा है किसी घर के ऊपर तो वो उस पर उसका मालिकाना हक है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा के और दोबारा से इनको अगर नोटिस एक ही दम इनको दिया गया है, हम डीसी साहब और एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके इस तरह का यहाँ पे माहौल खराब ना करें। अगर यहाँ माहौल खराब होगा तो शायद ही दिवाली इस रोहतक शहर तो छोड़ो हरियाणा में किसी की बनेगी। उस दिन पहले अखबार में भी निकलवाई थी खट्टर साहब ने, उस दिन पहले अखबार में खट्टर साहब ने निकलवाई थी। सचो ने बुला लो, कहते भाई जाओ भाई ये करनी ना, उन्हें काम है, कोई बात ना रहने दो। ये इस लड़के का पिताजी है, ये देख लो, ये इसकी माँ, ये अपना घर का गुजारा दाड़ी मजदूरी करके चला रही है। इन लोग ये लोग कहाँ पे जाएंगे, इनके पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। ये लेडीज यही है जो इनका तो देखी जाएगी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये देखो कितनी गुड़िया हैं, ये सारे अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, ये गुड़िया कहाँ जाएंगी? अगर ये घर यहाँ टूट गए तो कहाँ, ये सीएम अपने घर दे देगा या भाई कोई मनीष ग्रोवर वो दे देगा? कोई नहीं दे सकता। वैसे भी सरकार की पॉलिसी अगर कहीं पे घर तोड़े जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है, उनको प्लॉट अलॉट होते हैं। तो ये तो सीधा तोड़ने के लिए आ गए, ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इसके अंदर? दूसरी जगह मना के दे दो, खाली कर देंगे। ना ना, क्यों दे दें, यहीं रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, मरने कटने की बात नहीं है। और आवेगी तो पहले हम मरेंगे, बाकी बाद में मरेंगे, ठीक है? और हम अपनी बहन बेटियों को बिल्कुल भी लावारिस हालत में नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, चाहे प्रशासन आओ चाहे कुछ भी आओ। ये हमारे गरीब आदमियों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये इनको दबाया जाए, और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े जितने नौकरी में बैठे हैं, जितने मेरे पुलिस वाले भाई आ रहे हैं, सारे जितने भी अफसर आ रहे हैं, ये सारे इनके घर में लाइटें जाके देख लो, लाइटें जाके चोरी की बढ़ती हैं, ठीक है? इनके घर में मार लो ना छापे, किसी की हिम्मत नहीं है भाई। मामला बैठता है एक चीज और है, एक मिनट दिए भाई, ये प्रशासन अगर सही में काम करना है ना तो बता के करियो, नो नहीं अगर भाई हम चले गए फिर पाछे ताक है। अगर प्रशासन इतना ही एंडी पाक रहा है तो प्रशासन ने बता के उस दिन आवेंगे, रुड़ा आवेंगे, ये हम जरूर रिक्वेस्ट करें प्रशासन ते। तम नु को ना ना भाई, हमने तो करना ही पड़ेगा, ते यह जरूर बतागा यो 24 घंटे टाइम दे के हम आवे है भाई, जिसने रोकना हो वो ग्रहण तो रोक लो, इतना जरूर करियो। या प्रशासन ये आड़े सीआईडी आड़े खड़े हैं, यार रिक्वेस्ट है बतागा यो, नो निक चुपचाप एकदम आए बेचारे, ये भी घर में ना हो, हम भी आड़े ना हो और पाछे तुम गिर जाओ। अगर इसी कार्रवाई होगी तो सुन लिए रोहतक के मुख्यमंत्री और डीसी एमपीएमएलए कोई हो, जो सरकारी घर तुमने मिल रहे ना, फिर उन घर में आग बैठेंगे, ध्यान रख लो इस बात का, फिर नहीं जाओगे कितने भी। प्रशासन को ये हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आग बता गए ई बारे हैं प्रशासन वाले हैं सीआईडी वाले भाई, जो भी बुलडोजर वुलडोजर लेना ना तुमने अपना लिया हो, हड़े खड़े हम तैयार हो ना भाई, सारे कत्ती तैयार हैं। और भाई क्योंकि नहीं धोखे नहीं धोखाधड़ी नहीं कत्ती ई भाड़ा आ रहे हैं और बेशक प्रशासन आस कहे है, जितना ने जेल में लेके जाना चाहो जेल में ले जा, जितना अगर गोली मारनी है गोली मार दियो, जितना अगर केस करने है केस कर दियो, और भाई बेशक सारा ढा दो ही भाड़ा आ रहे हैं, डा दो बेशक आ जाओ आके देख लो, मारे में हिम्मत होगी तो हम देख लेंगे, अरना डा जाइयो बच्चे सारे आदमी ने सारा में बुलडोजर चला दियो कती। सीधी बात है, हम यो काम कती नहीं होने देंगे, क्योंकि ये किस के बीच में निटर अच्छा कुछ साथी नहीं होते हैं, कदे नू ये गलत प्रशासन न्यू करा रहे हैं, आगे नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, गुंडों पे कार्रवाई कर रहे हैं, ना तो ये नशा तस्कर है और ना कोई ये अपराधी है, इस चीज का ध्यान रख लो। जो थोड़ा है ना उसने घुमाया फराया करा, हम तो ऐसी कार्रवाई उन लोगों पे कर रहे हैं, ऐसा कोई आदमी यहाँ पे नहीं है, किसी पे केस भी नहीं है, ये इतनी किसी पे केस है किसी पे केस नहीं है। आर्य समाजिया गांव सिंह परागर कुल सब ने बेरा है, तो इसलिए प्रशासन को कह रहे हैं डीसी साहब आपको ये बात बता रहे हैं, बतागा यो आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखी जाएगी हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। बाकी सरकार को ये कह रहे हैं, इस सरकार को
इस विपक्ष को सबको हम ये बात कह रहे हैं, आगे भाई ये गरीब भाई घर हम नहीं पढ़ना है, जो होगा देखिए ये सब अपील कर रहे हैं, चाहे एमपी है, एमएलए है, और चाहे कोई भी पार्टी का नेता है, कि सभी संगठन का सारे आओ और सारे आ गए इनका साथ दो, गए वही पुलिस वाले डालिए गए तो भाई ये गए हैं, तो मैं यह बात कह रहा हूं आके नू ना करियो प्रशासन आयो, और सुनो भाई एक बात मैं तुमने भी कहूं हूं, मारे भरोसे पे बैठने की जरूरत नहीं है, हम तो थारे साथ हैं, मेरी बात सुनियो, मारे भरोसे पे या किससे भी आदमी के बाहर के भरोसे पे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई किससे टाइम कितना होगा, कोई कितना होगा, समझो हो इस बात ने, कदे नू सोचो कि फिर भाई अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप लड़न ताई तैयार होना पड़ेगा सारे ने, हाँ तैयार होना सारे, हाथ आगे बताओ, न्यू भरोसा नहीं होगा, अड्डा जिंदा होगा, अड्डा और कोई संगठन ना होगा, अड्डा होगा गांव का मामला, खुद इकट्ठा होना पड़ेगा, खुद मजबूत होना पड़ेगा, अब कोई भी आया, कोई भी प्रशासन आया, उसके आगे खड़ा होने की हिम्मत खुद में सही है, कत्ती डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों के, सर सारे संगठन है, ये इतने भाई आ रहे भारत है, कितने लोग आ रहे हैं भारत है बताइए भाई, ये आस पास के आ रहे सारे आ रहे, इतने लोग आ रहे हैं तुरंत आओगे, आप लोग इस चीज की चिंता मत करियो, लेकिन पहले लड़ने का आप लोगों ने मजबूत होना है, जितने भी नौजवान बालक है भाई, ये जो माताएं बहने इतनी खड़ी है ना, सब ताकत तुम नाना पड़ेगा, ध्यान रखियो, अरे कायर आगा कोई सिस्टम नहीं हो, कायर हो मुर्दा हो डरपोक हो तो फिर तक घर ढाएंगे, और ना तो तुम कायर हो ना तुम मुर्दा हो, किससे भी कीमत बागे खड़ा हो जाना, बस बस कती हमने इस चीज का ध्यान रखियो, मार दो फोन करोगे हम तो जब आ जाएंगे, लेकिन जरूरी ना हम उड़े 500 किलोमीटर दूर क्यों कराओगे, तुम तेन को आए को ना भाई, अपने आप को मजबूत करना, इसलिए सारा तक बताओ है, जो भी नजदीक होगा वे तो आवे आवागे, ठीक है ना, अरे आड़े हैं, हमारा प्रधान इतना मजबूत है जी, हाँ हट जाएगा और उसके साथ है, अरे यो कोई बात नहीं, प्रधान जी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी प्रधान जी के साथ हैं, प्रधान के साथ खड़े हैं हम भी, और सारी नु मन्ना मानी हो अपने आप ने, अब दलित हो तो दलित आओगे और कोई नहीं आओगा, सारी बिरादरी ब्राह्मण हूँ मैं, 36 बिरादरी के सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ, अरे अरे जाट भी आ रहे हैं, और सारी बिरादरी आगे आ रहे हैं, SC PC सब आ रहे हैं, नुमत मानियो दलित है तो दलित आओगा अड़े या कोई नहीं आओगा, सारे आओगे, कती थारे हक की बात है, थारी गल अन्याय हो रहा है, इसलिए बात कह रहे हैं, कती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कती यार माता बहना था जो कल बताऊं थी ना मैंने रात ने, भाई नींद ना आती, आराम से नींद ले कती, फिर तो पहले आरू रोड रोलर के आगे हम आ जाए, टेंशन मत लो, टेंशन में लेके मर जाओगे के फायदा है, ये तो संकट है, तो 5 मिनट मोर्चा संभाल लियो, 7 मिनट में हम आ लेंगे, हम रोक सकते हैं, घनी दूर तना आ रहे, ठीक, और सारा ये सारे भाई SC भाई भी थारे गिल रहे हैं, सब आ रहे हैं, सारी बिरादरी सारे, हरियो सारा गांव है, इस गांव ग्राम हो है, जब गांव में रहा था जरूरत नहीं, गांव राम हो है, सारी बरादरी आएंगे लोग गांव में, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे, तो फिर पुराने जितने बन रहे हैं सारे इतने इतने सालों से रह रहे हैं, और संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं है किसी गरीब आदमी को मतलब ऐसे प्रताड़ित करने की, ये हमारे वो कैप्सूल लाला देखे हैं, सुवे लाला देख रहे हैं, बाबा साहब ने तो नहीं गए हैं, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो संचित रहो, बिल्कुल सबसे पहले शिक्षित हो ना, सबसे पहले शिक्षित कहा था ना, जब तक कुछ नहीं है ऐसे ही, बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षित कहा था शिक्षित बनो, तो इसलिए आप सब अरे मजबूत रहो, संघर्ष करो, कती टेंशन, ये तीन कही थे बाबा साहब ने, और जब तक इन पे हम नहीं चलेंगे, जब तक ऐसे ही ये चलता रहेगा, बाबा साहब ने एक एक सबकी सबके लिए ये कानून वो कर रखा है, एक एक आदमी के लिए बहुत सोच समझ के, लेकिन ये उनका खत्म कर रहे हैं, आ जा बात है, अगर 4 साल से ज्यादा कोई एक जगह पर रहता है तो उसको रेंट पे भी रहता है ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के, तो आप अपना आराम से इबा और थोड़ी बहुत बार और देख ले हैं, हालांकि वे चले गए हैं, लेकिन ये आ कर ना ये एक आधा तुच्छा अफसर आ रहा है, देखा रहे आदमी गए, अब पहुंचा, कोई टेंशन, मैं इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कोई आप लोग आना जरूर रहना, साइकिल कार्ड आसपास में देख लो, कई बार आसपास में खड़े पाया करे, बस खड़ी पाया कर, हम आ रहे हैं,
कोई सी होगी तो देख लेंगे। जन्यू इकट्ठे रहे तो पढ़ाएंगे नहीं कर सुन लियो। और जितने भी और रिश्तेदार रिश्तेदार जानता है वो करेंगे। वो खड़ी रही है।